ओम वंदे मातरम। मित्रों, मैं हूं प्रभा, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरंभिक सूक्ष्मयान की फिर से। यह है सूक्ष्मयान भाग दो। बहुत से शरीर ऐसे होते हैं मित्रों जो हिलाए डुलाए हिलते नहीं, बहुत मोटे भारी भरकम। अब उनको कहो कि आगे झुको या कुछ ऐसा अभ्यास करो, उनके लिए वो संभव ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए हमने कुछ अभ्यास बनाए हैं मित्रों, हम उनको आज देखेंगे। अब ऐसे लोग जो भी हैं वो कहीं भी बैठ तो सकते ही हैं। आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठिए, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं कुर्सी पे बैठिए, आप जमीन पे बैठ सकते हैं जमीन पे बैठिए, कोई समस्या नहीं है। आप जैसे बैठ सकते हैं, आपके पैर इतने ऊपर हैं, जैसे आप बैठ सकते हैं। मैं अभी आपको वैसे ही करके बताऊंगी जैसे आप सामान्य तरीके से बैठ पाते हैं, तो आप ऐसे बैठते हैं। यदि आप बैठ सकते हैं तो आप ऐसे बैठ जाइए, जो मैं बताती हूँ अक्सर इस तरीके से। भले घुटने ऊपर रहेंगे कोई समस्या नहीं है, पर आप ऐसे बैठने का अभ्यास करिए, इससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हम चक्की भी चलाते हैं, हम त्रिकोणासन भी करते हैं, हम कोणासन भी करते हैं, लेकिन वो सबसे होते नहीं है। तो उससे पहले के अभ्यास को आज हम देखेंगे। आपको कैसे करना है मित्रों, आप अपने हाथों को पीछे बांध लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधी पालथी मार के आप बैठे हैं ना, आप ऐसे बैठिए। उसके बाद ये उनके लिए खास जो मोटे हैं, जिनके शरीर में बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है, मैं पहले स्पष्ट बता दूं। अब उसको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है नाक घुटने से लगे। अब आपकी इतनी आती है तो इतनी लगे, जितनी आती है उतनी लगे, पर कोशिश करिए आपकी जितनी आ जाए। मेरी पूरी आ जाती है, मैं पूरी लाती हूँ, पर आपकी जितनी आती है उतना झुकी है, वैसे ही दूसरी तरफ भी झुकी है, जितना झुका जाए उतना झुकी है। आप रोज ये अभ्यास करेंगे, हफ्ता भर 10 दिन अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप अधिक झुक पा रहे हैं। देखिए कैसे, इस तरीके से आपका लक्ष्य यहाँ तक पहुंचना है, पर अभी आप जितना कर पा रहे उतना करिए, इतना तो इतना कोई बात नहीं है, होगा धीरे धीरे। वैसे ही ये आप इसको 10 से 30 बार कर सकते हैं मित्रों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको कैसे कम करना है वजन, कितनी जल्दी कम करना है, आपको जितनी जल्दी वजन कम करना है उतना अधिक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा अभ्यास, आपके जो कंधे हैं कंधे पर हाथ रख लीजिए। अब आप एक तरफ ऐसे झुक जाइए, ये आप झुके हैं कहां, हिप्स के बाजू में, वैसे ही दूसरी तरफ झुक जाइए, वैसे ही आराम से। ये व्यायाम आप बहुत आराम से करेंगे। यदि आपसे जमीन पे हाथ टच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना होता इतना जाता है इतना ले जाइए, कोई अभ्यास कोई दिक्कत नहीं उसमें, इतना ले जाता है उतना ले जाइए, जितना आप कर सकते हैं वो अभ्यास जरूर करिए मित्रों। क्योंकि आप यदि उतना नहीं करेंगे तो आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 5 से 6 दिन में आप धीरे धीरे नीचे भी पहुंच गए हैं, आप अभ्यास करते करते इसको नीचे पहुंच जाएंगे। उसके बाद एक काम और करें, एक अभ्यास ऐसे भी कर लें, जैसे नाक पहले लगाइए ना, नाक नहीं लगाइए, आप उसको ऐसे कर लें, ये ऐसे इस तरीके से आराम से। कंधे की हड्डी पे आपने उंगलियां सारी टिका दी हैं और आप इस अभ्यास को ऐसे कर रहे हैं एकदम आराम से। देखिए आपकी कमर कितनी अच्छे से हिल रही है, आपको बड़े आसानी से कमर हिलाते बन रहा है मित्रों, आप करके देख सकते हैं। और उसके बाद एक छोटा अभ्यास करें तो और कर लें, ये कोहनी कोशिश करें जितनी इधर आ जाए, फिर ये कोहनी जितनी कोशिश करें इधर आ जाए, इस तरीके से आपकी कमर को अभ्यास और मिलेगा। हम जो त्रिकोणासन करते हैं उसको हम ये छोटे रूप में कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऊपर है फिर इसको धीरे धीरे नीचे लाना है। कोशिश करिए, जितना होता उतना आपके हाथ में है मित्रों, आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा, और नहीं बढ़ाएंगे तो कभी नहीं होगा। शुरुआत करिए, सब होता है, और नहीं करते तो आप इंतजार करते रहिए, कभी ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आप अभ्यास की शुरुआत करिए मित्रों, तो आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो कर सकते हैं, एक हाथ को पीछे बांध दिया, फिर से वही हम आते हैं, हमने पहले नाक लगाने की कोशिश की थी, हमने पर दो तरफ लगाया था, अब हम चक्की चलाएंगे इसी अभ्यास में। किस तरीके से, हाथ पीछे बांध दिए हैं, ये नीचे से आपने ये शुरुआत की, और फिर आप आगे आए, ये इस तरीके से आप आएंगे, और फिर आप पीछे को गए, आप फिर ऐसे ही आएंगे, फिर आप यूं किया इस तरीके से। देखो चक्की हमने से चलाते ना, आगे पैर लंबे करके, ये देखो आपको वैसा ही महसूस होगा, आप जितना झुक सकते हो उतना झुकिए, आपसे इतना झुका जाता है इतना ही झुकिए, आपसे जितना अभ्यास होता उतना करिए, क्योंकि वजन अधिक है शरीर में, हार्डनेस ज्यादा है, तो आप ज्यादा नहीं झुक पाएंगे इस तरीके से। फिर जितना इधर से किया उतना ही दूसरी तरफ से भी करना है मित्रों, आप 10 बार 20 बार 30 बार कर सकते हैं इसको, इस तरीके से आप इसको ऐसे कर लें। फिर जहाँ कसर का नियम है मित्रों, एक साइड से किया तो दूसरी साइड से तो उतना करना ही चाहिए,
तो ये बराबर होता है और तभी ये सही रहती है कसरत। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है मित्रों। आपके शरीर की शुरुआती फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए यह व्यायाम आपको बहुत ही अच्छी तरह से सहायता कर सकते हैं। आप इनको जरूर अपनाएं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही आरामदायक और सरल सहज है। इनको करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इनके आगे के अभ्यास ये आप हफ्ते 10 दिन आराम से करिए, क्योंकि इसको करते करते आपका शरीर जब लचीला हो जाएगा तो उसके आगे के व्यायाम मैं आगे आपको बताऊंगी, तब आप वो व्यायाम करेंगे और आप अपने आप को सही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, वजन कम करना है, कुछ भी करना, प्राणायाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पानी पीना महत्वपूर्ण है। इसके बिना दुनिया की कोई चीज संभव हो ही नहीं सकती। पानी जब तक वजन के हिसाब से नहीं पियेंगे, पानी पीने का तरीका सही नहीं होगा, भोजन का तरीका सही नहीं होगा और आप प्राणायाम नहीं करेंगे तब तक सारी चीजें आपकी व्यर्थ हो जाएंगी। और यदि आपने किसी भी तरीके से वजन कम किया है या दूसरे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर, खासकर वजन में से समस्या आती है, तो यदि आप वजन कम करते हैं किसी और तरीके से तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी, आपकी चमड़ी झूलने लगेगी। तो यदि आप प्राणायाम करते हैं तो चमड़ी आपकी नहीं झूलेगी। आपको यहाँ कैसा लगा मित्रों, मुझे अवश्य बताइए। 9699 7917 24 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम।